माननीय दुर्जय जी भी वहां उपस्थित थे, हम सब की ओर से मंत्री जी को मेमोरेंडम भी ज्ञापन भी हम सब ने सौंपा कि लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी घोषित होने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 के अंडर ट्राइबल एरिया घोषित करके यहाँ के लोगों की तरह से हम प्रोटेक्ट, ये अभी चिंता के विषय है। मैं इस महाउत्सव के जो शुभ अवसर पे माननीय गृह मंत्री जी को जाए कि आपकी इस प्रवास के रेफरेंस देकर कि यहाँ के पॉपुलेशन को, कल्चर को, डेमोग्राफी को, इकोनॉमी को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ के लोगों के बेनिफिट्स के लिए और क्या क्या यहाँ पे स्कीम्स जो है लागू कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी में बता दूं मंत्री महोदय, इससे पहले जब जम्मू कश्मीर सरकार के नीचे हम थे, यहाँ बहुत सारे जो ट्रैवल मिनिस्ट्री की ओर से स्कीम्स होना होते हैं वो पूरे यहाँ पे नहीं हो पाए। हाँ, कुछ कुछ हो पाया, ये बात सच है, लेकिन जितना इस 98% यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं जो शेड्यूल ट्राइब 1980 उसके बाद जो लाभ यहाँ पे मिलना चाहिए था वो नहीं, ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल हॉस्टल।